राम लाइक्स रेड कार, राम माग रोटस ऑटो, एडजेक्टिव एंडूम रोटस, यस ओन आर्टिकल थर्ड ट्रिबल, रिया इज इंटेलिजेंट, रिया इज इंटेलिजेंट। सो इसमें कोई ट्रिबल लगेगी ही नहीं, क्योंकि एडजेक्टिव एंडूम केवल तभी लगता है जब एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन हो। दे हेल्प ए पुअर लेडी। दी हेल्पर आइनर आर्मन फ्राउ, आइनर आर्मन जी हेल्फन आइनर आर्मन फ्राउ, आइनर आर्मन फ्राउ। ऐसे ही पता चल गया कि टेबल कौन सी आएगी, ये वाली। ए वाली तो ये वाली है, और फेमिनिन का डाटिव, फेमिनिन में डाटिव में क्या लगना चाहिए? ईएन लिख रखा है हमने तो यहां। सो आर्म था ओरिजिनल। कोई ये पूछ सकता है भाई डाटी भी क्यों लग रहा है? वर्ब डाटिव है, वर्ब डाटिव है, इसलिए हम लोग डाटिव ले रहे हैं। और फ्राउ जो है फेमिनिन है, तो फेमिनिन पहली लाइन हमेशा मैस्कुलिन, दूसरी फेमिनिन, तो फेमिनिन का डाटिव ले रहे हैं हम लोग, वर्ब डाटिव है इसलिए। इसलिए जो भी एडजेक्टिव था आर्म, उसमें ई एन और लग गया, आर्मन। ओके, सीता इज कुकिंग टेस्टी फूड, फूड होता है द सेशन। सीता कॉक्ट, ईएस लगेगा सर, ईएस लगेगा, लेकर एसेशन, दास एसन था। और कोखन वर्ब अकुजेटिव, कौन सी टेबल लग रही है? फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन टेबल है, कौन सी लग रही है? थर्ड वाली इसलिए लग रही है क्योंकि सेंटेंस में ना तो द लिखा हुआ ना अ लिखा हुआ। द होता तो ये वाले टेबल यूज करते, डेयर द दास इसलिए लिखा हुआ है कि सेंटेंस में अगर द हो तो ये टेबल, सेंटेंस में अगर अ हो तो ये टेबल, और कुछ भी नहीं हो तो विदाउट आर्टिकल वाले टेबल। सर जैसे अब इसमें तो पता चल रहा है इंग्लिश में तो द लग रहा है, लेकिन अगर हिंदी में कैसे पता चलेगा कि द लग रहा है या नहीं लग रहा? जैसे इंग्लिश में तो द लग रहा है तो पता चल रहा है कि द एक बार टेबल आएगी, ए वाली टेबल आएगी, लेकिन हिंदी में कैसे पता चलेगा? कुछ तो बोलते होंगे, क्या बोलते हो आप? सीता स्वादिष्ट भोजन पकाती है, तो स्वादिष्ट का आपको पता चलना चाहिए कि ये हाँ एडजेक्टिव लिस्ट है। लिस्ट कह रहा है, एडजेक्टिव हो गया, लेकिन दे का कैसे पता चलेगा उसमें हिंदी में? आपको वर्ड चेक करना पड़ेगा ना, जर्मन वर्ड जाने बिना ही लिखोगे क्या? अगर मान लो जर्मन वर्ड जाने बिना ही आप लिखना चाहते नहीं, हो, मैं ये बोल रहा हूँ जैसे आप बोल रहे हो ना कि द होगा तो द वाली टेबल आएगी है ना, और अगर द नहीं होगा तो विदाउट वाली टेबल आएगी, और ए होगा तो ए वाली टेबल आएगी, ए का तो पता चल जाएगा सर तो ए उसे, का तो हिंदी में तो पता चल कैसे पता जाएगा। चलता है? खोलेगा एक का कैसे चलेगा? मेरे हाँ पास एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है, हाँ एक का एक पता आ गया। चलेगा, मेरे पास पुस्तक है तो दोनों गए। अब इसमें दे और बिना दे का पता कैसे चलेगा? मेरे पास एक पुस्तक है, ये तो हो गया, मेरे पास पुस्तक ये तो है, मेरे पास पुस्तक है, हाँ अब इसमें दे और बिना दे का पता कैसे चलेगा? चल गया ना, आपने कुछ बोला ही नहीं तो इसमें पहुंच गए हम तो। और फिर जैसे एक बार दे वाला बताओ बाइंडिंग, ये सुंदर पेन मेरे पास है, ये है सुंदर पेन, अच्छा ये है लग जाएगा, यह है या वह लग जाएगा। यह है सुंदर पेन मेरा है, यह है वह, मतलब स्पेसिफाई करो, इसका मतलब ही है स्पेसिफाई करना। द का मतलब है कोई पर्टिकुलर की बात कर रहे हो आप। यह काला कोट मेरा है, तो यह है काला कोट, स्पेशली बोलेंगे उसको, हाँ स्पेशली उस पर हाईलाइट करके बोलते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, द स्मॉल बॉय इज कमिंग, बॉय को बोलते हैं यूंग है, और स्मॉल को बोलते हैं क्लाइन। डेयर क्लाइनर कॉम्प्ट, सर ये मेरा बात हो गया,
बधाई हो आपको, ये कैसे हुआ आप तो बताओ मेरे को, क्या चीज गलत हुई? द स्मॉल बॉय, स्मॉल बॉय डेयर यूंगे है, आर्टिकल देखा ना आपने, द है ना, डेयर है, और यहां पे ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट है, तो इसमें भी कोई टेंशन नहीं है, आपको समझ में आ गई ये बात? तो इसका मतलब आप खुद ही कह रहे हो कि ये मैस्कुलिन है और सब्जेक्ट है और द लग रहा है, तो आपको पता होना चाहिए टेबल नंबर वन। आप कह रहे हो कि ये मैस्कुलिन है और द लग रहा है, तो मैस्कुलिन तो ये है, मैस्कुलिन ये नहीं है क्या? तो सर इसमें मैंने इसको वर्ब के हिसाब से कर दिया था। नहीं तो क्यों कर दिया, वर्ब तो बाद में आती है, सब्जेक्ट पे वर्ब का असर होता ही नहीं, ऑब्जेक्ट पे होता है वो, तो वर्ब ऑब्जेक्ट को रेगुलेट करती है कि सब्जेक्ट को? वर्ब के आने से पहले ही था सब्जेक्ट, तो जैसे मैं बोलूं मैं आ रहा हूं, तो आना वर्ब तो बाद में आई, मैं तो पहले ही आ गया, सब्जेक्ट तो पहले ही आ चुका, उसको वर्ब क्या रेगुलेट करेगी? वर्ब तो अपने बाद में आने वाले ऑब्जेक्ट को रेगुलेट करती है। दास कर दिया तो कोई बात नहीं, गलत हो गया, दास किंड हो गया फिर तो, इसका आर्टिकल जो भी इनके आर्टिकल है वो तो हमको लर्न करने पड़ते हैं शुरू शुरू में। है ना, वहां चेक कर लेते हैं, डिक्ट डॉट सीसी सभी में आता है? नहीं सर, इसमें स्पेशली दिखा देता है कि कोई भी वर्ड मतलब जनरल का, शेयर करो ग्रुप में, कोई भी चीज अच्छी पता चलती है तो। ही इज ए गुड मैन, अब आप ये बताओ ये सेंटेंस देखते ही आपको टेबल का पता चल रहा है कि नहीं? yes, कौन सी टेबल है? आयन वाली, yes, से पता चल रहा है। और वर्ब कौन सी है इसमें? सब्जेक्ट नॉमिनेटिव, एक्यूजेटिव, डेटिव, नॉमिनेटिव सब्जेक्ट। और मैन मान है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट बता रहा है भाई इसको, मान को ऑब्जेक्ट है और गुड वो है, ये ऑब्जेक्ट बता रहा है भाई इसको, गुड तो वो है एडजेक्टिव और मान वो आ गया एडजेक्टिव आ गया, ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? ये ऑब्जेक्ट है सर, ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है इज नॉमिनेटिव वर्ब के कारण, नॉमिनेटिव वर्ब के बाद में सब्जेक्ट ही आता है, ऑब्जेक्ट नहीं आता। जैसे मैं बोलूं दिस इज देवकरण, तो दिस भी देवकरण और देवकरण भी देवकरण। मैं बोलूं दिस इज ए पेन, तो ये पेन भी यही है और दिस भी यही है। नॉमिनेटिव में जब कोई चीज को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ही और मान वही तो है। हम ये कहते हैं दिस इज ए गुड मैन, तो गुड मैन भी वही है और दिस भी वही है, दो थोड़ी है, जिसकी तरफ भी मैं इशारा कर रहा हूं। मैं बोलूं यू आर ए गुड मैन, तो यू और मैन एक ही बात, एक ही तो पर्सन हुआ। सो नॉमिनेटिव वर्ब है तो उसके में केस नॉमिनेटिव ही होता है, ऑब्जेक्ट नहीं होता। एयर, एयर इस्ट आइन गुटर, एयर स्टाइन गुटर मन, द लेडी इज ब्यूटीफुल, द रेड पेन इज नॉट हियर, who has the good book, where heart does good book, उसके बाद में जो भी नाउन आ रहा है उसके हिसाब से तो एंडिंग लग रही है, ये ना, हाँ उसी के हिसाब से चेंज कर रहे हैं अपन हर बार, वापस चेक करना आप शुरू से, हर बार उसी के हिसाब से चल रहा है इसका चेंज। नहीं वेर हाबन का मतलब तो
यहाँ पे हैव आता, प्लूरल आता तब करता हापन तो, कि किस किस के पास गुड बुक है, किस किस के पास, हमने तो बोला कि किसके पास है, सिंगुलर की तरह यूज किया इसको, तो सिंगुलर के साथ हमेशा हाट आता है, प्लूरल के साथ हमेशा हापन आता है। एम ए दीजिए गुड स्टूडेंट। यहाँ दे लगा हुआ है तो क्यों नहीं लगाओगे आप, ये लिख किस लिए रहा हूं मैं, यहाँ पे द लगा रहा हूं इसका मतलब है टेबल वन, अगर अ लगा रहा हूं का मतलब है टेबल टू, कुछ नहीं लगा रहा तो टेबल थ्री, ये मर्जी थोड़ी है, नहीं है तो भी लगाऊंगा क्या, है तो भी नहीं लगाऊंगा, ऐसी थोड़ी है, इसमें देख के तो लगाना पड़ता है। आई एम गुटर स्टूडेंट, वापस देखना आराम से, इसमें से जो भी आपको समझ नहीं आए घर पे फिर देखना, कल कोई चीज फिर दिमाग में आपको अटकती है तो फिर डिस्कस करेंगे, चिंता नहीं करना। ओके दस स्टालेस, यस सेवन वी दस बुक, में की थी हमने वो कैब वगैरह, ये था ना, नहीं इनको याद करने के लिए बोला था, हाँ वो कैब आपको लर्न करने के लिए दी थी मैंने, स्टार्ट नहीं किया, हाँ नहीं इसमें वो कैब ही निकाल दी थी मैंने इसकी मेन मेन, एक बार ब्रीफ में देखेंगे। टाफेल्न मतलब बोर्ड, बोर्ड का प्लूरल है ये, बोर्ड्स पापियर है, पेपर्स ये प्लूरल वर्ड है, टिश है, टेबल्स, स्टूल है, चेयर्स कुर्सियां, ब्यूशर बुक्स, ये बेशर नहीं है ब्यूशर है, सो टाशन बैग्स कई सारे थैले हैं, दी फ्यूलर इंक पेन कई सारे इंक पेन, एक से ज्यादा है तो ये सारे यहाँ पे प्लूरल लिखे हुए हैं, ब्रिलन चश्मे, व्योटर ब्यूशर डिक्शनरीज कई सारी, ब्लैस्टिफ्ट है, पेंसिल्स प्लूरल है ये सारे, पेंसिल्स, राडियर गुमीज, रबर्स कई सारे, रबर इरेजर्स, दी हैफ्ट है नोटबुक्स जिसमें आप लिखते हो वो नोटबुक्स, दी हैंडीज फोन्स मोबाइल मोबाइल्स, कुलीज पेंस एक से ज्यादा, लैंड कार्टन मैप्स, व्हाइट बोर्ड्स, बेशर कप्स सारी प्लूरल लिखे हुए हैं, ब्रियोटसन रेड रोल्स कई सारे, ट्यूरन गेट्स, यस दी ट्यूअर दी ट्यूरन गेट्स एक से ज्यादा गेट उनको ट्यूरन बोलते हैं, ब्रूडर कई सारे भाई एक से ज्यादा भाई भाइयों को, टोन मतलब टोन आवाज बात करने का तरीका, ब्रूडर ये सिंगुलर है, ब्रूडर मतलब ब्रदर और दी ब्रूडर उमलाउट लग गया तो प्लूरल, सालन सालन होता है कोई चीज को पे करना, और सेलन का मतलब है टू काउंट, फर्क है दोनों में, सालन उन सेलन, दस बुक इज बुक, दी ब्यूशर बुक्स, ट्यूअर गेट दी ट्यूरन गेट्स, द स्वॉर्ड डिक्शनरी नहीं वर्ड, एंड व्योटर वर्ड्स, और डिक्शनरी को क्या बोलते हैं, व्योटर बुक कई सारी बुक वर्ड्स की बुक, द स्टूल चेयर, द स्टूल है चेयर्स,
चीयर्स मत समझ जाना इसको, चीयर्स ना, डे टोन टोन दी ट्यून है, दस हाउस दी होइजर, तो सिंगुलर प्लूरल है इसमें ज्यादातर ना, ये अलग चीज है, लेकिन इसमें सुन सुन के बोलना है ताकि चोच अपनी खुल जाए, डर निकले उसका, बार बार रिपीट करने के लिए बोला है इन्होंने कि ये जो भी लिसनिंग वाला आता है उसको घर पे चला चला के हमको सुनना होता है, कि वो जैसे ही वो बोलता है पोज करके आपको भी बार बार बोल के देखना है ऐसे। ये देखो इसमें बताया कि डिक्शनरी में आर्टिकल दिखेगा तो कैसे दिखेगा, जैसे हाउस है तो हाउस के साथ हो सकता आपको एन दिखे, कभी एन टी दिखे और कभी एस दिखे, या कभी दास लिखा हुआ दिखे। तो डिक्शनरी में जब आप वर्ड देखते हो तो आपको कोई ना कोई हिंट मिलता है कि ये मैस्कुलिन है, फेमिनिन है या न्यूट्रल है। डिक्शनरी में देखोगे आप तो नाउन में देखना लिस्ट, कई में तो आपको वर्ड के साथ ही दिख जाता है शुरू में ही, कईयों में आपको ऐसे लिस्ट देखनी पड़ती है कि भाई ये नाउन है ना, कुर्स शॉर्ट, कुर्स का मतलब है कोर्स, वो तो एडजेक्टिव होता है, ये तो नाउन है, वो तो कुर्स होता है, ये तो कुर्स मतलब कोर्स, आपका लैंग्वेज कोर्स जैसे, यस पिलोट पायलट, यस। देखो आई एन के साथ तो लिखा हुआ है एफ, तो मतलब अगर पिलोटिन होगी तो फेमिनिन होगी, और पिलोट का तो एम लिखा हुआ है तो प्लूरल हो जाएगा, हाँ मैस्कुलिन में एम लिखा हुआ है। देखो इन्होंने द को समझाने की कोशिश करी है, अ और द पता नहीं चल रहा ना कौन है, अच्छा आप पहचान गए उसको पीछे से ही देख के, ओके ठीक है, अच्छा ओके यस। तो आईना और द का ही फर्क इसमें बताया है, आईने का मतलब कोई जर्मन टीचर है, और आप चेहरा दिखते ही अरे ये तो वो है कैटरीना मायर, तो जिसको पहचान गए उसके साथ द लगेगा, और आप नहीं पहचानो तो अ पायलट, अ पता नहीं कौन है, पायलट तो है लेकिन पता नहीं कौन है, तो अ पायलट अ पिलोट आइन पिलोट, एंड हियर चेहरा देख के पता चल गया, सो देयर लुफ्थांसा पिलोट फ्रैंक लिपमान, ये तो लुफ्थांसा का पायलट है फ्रैंक लिपमान। सो कोई गाड़ी है और यहां पता चल गया अरे ये तो इसकी गाड़ी है, तो दया लग गया यहाँ पे आइन आउटो, कोई कार, कोई कार खड़ी है घर के बाहर, बाहर देखा अरे ये तो रमेश की कार है, तो कोई कार में तो अ लेकिन पहचान गए तो द, ऐसे ये फर्क बताया है। देखो पता नहीं चल रहा लेकिन यहां पे पता चल रहा है। काइन की टेबल, हमने काइन सीखा ना, काइन निगेट करना, कई बार मना करने के लिए भी वो आता है, काइन ए कैमरा, यहां पे कैमरा अलाउ नहीं है, काइन ए कैमरा, काइन क्यों लगेगा, क्योंकि कैमरे का आर्टिकल दी होता है, दी कैमरा, तो यस, तो टेबल आपकी जो होती है काइन वाली, काइन की टेबल क्या होती है, काइन काइने काइन काइने काइनन काइने काइन काइने काइनम काइनर काइनम काइनन प्लस एन। सो नोमिनेटिव अक्यूजेटिव डेटिव मैस्कुलिन फेमिनिन न्यूट्रल एंड प्लूरल, टेबल तो ऐसे ही चलती हैं सारी। अब काइन की टेबल तो होगी लेकिन जब कोई सेंटेंस में आए
तब तो हम लोग अकुजेटिव हो डाटिव हो तब तो डाटिव या अकुजेटिव करेंगे, लेकिन आपको ऐसे ही केवल इतना ही वर्ड दिखे नो कैमराज नो मोबाइल तो ये नोमिनेटिव अकुजेटिव डाटिव में से क्या हुआ? नोमिनेटिव हुआ है। अगर कोई बोले नो पेन नो कैमरा नो नो कैमरा प्लीज, काइन और निष्ठ समझ में नहीं आया, कब तो काइन यूज करते हैं कब निष्ठ यूज करते हैं, तो निष्ठ तो हम लोग तब यूज करते हैं वर्ब को मना करें, कोई एक्शन को मना करें, एडवर्ब को मना करें, एडजेक्टिव को मना करें और डेफिनेट नाउन को, जैसे इन सब को मना करने के लिए हम लोग निष्ठ यूज करते हैं। कोई बोले कि यार वर्ब को कैसे मना करेंगे, वर्ब को मना करने का मतलब है मैं खा रहा हूं मैं नहीं खा रहा, मैं जा रहा हूं मैं नहीं जा रहा, इश्कोक है निष्ठ। तो जब भी कोई चीज को निगेट करते हैं डिनाई करते हैं तो हम लोग वर्ब के जस्ट बाद में निष्ठ लगा देते हैं। इश्को में तो समझ में आता है ना, आई एम कमिंग, ये आता है समझ में इश्को में, मैं आ रहा हूं, लेकिन मना करना वो कभी कि मैं नहीं आ रहा, इश्को में निष्ठ। निष्ठ क्यों लगाया? क्योंकि वर्ब को एक्शन को मना करने के लिए निष्ठ ही लगाते हैं। एडवर्ब होती है वर्ब की विशेषता बताने वाला वर्ड, जैसे मैं धीरे धीरे चलता हूं, इस गे है लॉन्ग जाम, राइट, लेकिन ये तो अब चल रहा हूं, मैं कोई धीरे चलता हूं क्या? ना, मैं तो सही चलता हूं, इस गे है निष्ठ लॉन्ग जाम, इस गे है निष्ठ लॉन्ग जाम। एडजेक्टिव होता है कोई चीज की या कोई पर्सन की क्वालिटी बताने वाला वर्ड, नाउन की विशेषता बताने वाला, नाउन या प्रोनाउन दोनों हो सकता है, कोई व्यक्ति स्थान प्लेस ना, जैसे कोई बोले दिस इज ए गुड मोबाइल, ये तो मैंने ये बोल दिया दिस इज अ, दिस इज अ, तो दास इस्ट आयन गुटे सैंडी। ओके, एडजेक्टिव मान लो गुड हुआ ना, मैं अगर ऐसे बोलूं दिस इज गुड तो क्या होगा? ही इज इंटेलिजेंट, एयर इज इंटेलिजेंट होगा, ही इज इंटेलिजेंट, एयर इज इंटेलिजेंट, तो एडजेक्टिव है ये तो। और मना करना हो, अरे यार वो कोई इंटेलिजेंट है, एयर इज निष्ठ इंटेलिजेंट, तो निष्ठ लगाना है हमको एडजेक्टिव को मना करने के लिए, सिंपल है। और कोई भी डेफिनेट नाउन को, जैसे कोई बोले दिस इज माय मोबाइल, दिस इज नॉट माय मोबाइल, दिस इज निष्ठ माइन हैंडी, तो ऐसे करके कोई भी डेफिनेट चीज को मना करना हो, वर्ब को एडवर्ब को एडजेक्टिव को, डेफिनेट का मतलब ही है आप किसी की तरफ अंगुली निकाल के बोल रहे हो, आप तो ऐसे समझ लो, दिस इज नॉट माई मोबाइल, दिस इज नॉट माई कार, ओके। द का मतलब है कोई चीज को स्पेसिफिक आप बता रहे हो, या द दिस इज नॉट माई स्टूडेंट, राइट, एयर इज निस्ट माइन स्टूडेंट, राइट। अब मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ ये स्टूडेंट ही नहीं है, ये थोड़ी कह रहा हूँ स्टूडेंट तो होगा भाई किसी न किसी का, मेरा स्टूडेंट नहीं है, मैं तो ये मना कर रहा हूँ ना, ये ना ये मेरा नहीं है स्टूडेंट, अगर ये स्टूडेंट ही नहीं है तब तो ये हो जाएगा एयर इस्ट काइन स्टूडेंट, वो 56 साल का है, ये स्टूडेंट है इतने बड़े बड़े आपके, नहीं भाई ये स्टूडेंट नहीं है, ये तो यहाँ काम करता है या काम करते हैं, ठीक है। तो काइन हम लोग जनरली यूज करते हैं जब नाउन को निगेट करें लेकिन स्पेसिफिक नाउन नहीं हो। यस, सो जनरली इस तरह से क्रॉस हो तो हम लोग बोलेंगे काइन है सिगारेटन मोबाइल नो मोबाइल्स, काइन हैंडी हैंडी काइन हैंडी, काइन हैंडी, काइन
काइनेट सिगारेट है। नाइन मतलब भी नो होता है, या और नाइन, या नाइन, इसका काम इतना ही है कब केवल हां ना, खा रहे हो ना, इतना ही है इसका। पूरे सेंटेंस में यूज करोगे कि मैं नहीं खा रहा तो निश्चित यूज करना पड़ेगा। ये या और नाइन तो केवल हां ना, इतना ही काम है इसका, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकता। कैमरा काइने कैमरा, यस आइस, तो क्या हो जाएगा काइन आइस, देर हुंड होता है काइन हुंड। तो जब भी हम लोग इस तरह से बोलेंगे तो काइन बुक, काइन काइन कैमरा, काइन हैंडी, ये हम लोग ये उस सेंस में है कि यहाँ पे अलाउ नहीं है। नो मोबाइल्स बोलना हो तो काइन हैंडीज आ जाएगा, नो मोबाइल्स, नो मोबाइल, बात नहीं करना, नो कॉल। ये हो जाएगा फिर इशाबे काइन हैंडी, सेंटेंस पूरा बोलोगे तो हो जाएगा इशाबे काइन हैंडी, ठीक है। काइन और काइन, काइन है काइन, काइन काइन है। इस दास आइन लेटर इन, क्या ये टीचर है? काइन ने लेटर इन, फीमेल की बात करोगे तो काइने आएगा ना, टेबल काइन काइने, फीमेल के तो काइने होगा, फिर लिखूं क्या टेबल? आ थोड़ी है आपको, बताओ देखें, काइन काइने काइन काइने काइने नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव डेटिव, ये है। सो किसी ने बोला इस दास साइन लेटर इन, ये टीचर है क्या? अरे ये टीचर विचर नहीं है, ये तो यहाँ समोसे बेचती है ना, या फिर अरे ये कोई स्टूडेंट नहीं है, ये तो यहाँ पे काम करता है, ठीक है। तो आप मना कर रहे हो, नो टीचर नो स्टूडेंट। सो इस दास आइन लेटर इन, तो आइने का जवाब काइन है। जब भी कोई आइने का जवाब निगेट करके बोले तो काइन आ जाएगा, आइन का काइन, आइन का काइनन, ये वैसी तो है टेबल, अलग थोड़ी है। Das eine Lehrerin? Nein, das ist keine Lehrerin. Das ist ein Lehrer. Teacher, male teacher है तो, female teacher पूछा तुमने? Ist das ein Handy? Ist das ein Handy? Nein, das ist kein Handy. Yes. Ist das ein Handy? Nein, das ist kein Handy. ऐसे. मना करते हैं तो ऐसे ही करते हैं। इस दास आइन फेंस्टर, आइन का काइन हो जाएगा बस, नाइन दास इज काइन फेंस्टर। इस दास आइन कूली, काइन कूली, आइन का काइन, आइने का काइने, पहले मैं ऐसे ही तो किया था। इस दास आइन लेटर इन, नाइन दास इज काइन लेटर इन। Is das eine Cola? Nein, das ist kein Cola. Keine Cola. Eine Cola, keine Cola. A plural mein jin das Heft hai? Nein. Das ist keine Bücher. Keine Heft hai, keine Bücher, keine. Kyunki plural wala to keine hoga na? Yes sir. Isliye.
ये प्लूरल के लिए है ये वाला लास्ट वाला, इसलिए यहाँ पे काइने आ रहा है, और इन वर्ड से पता चल रहा है कि बात प्लूरल की हो रही है। फाराट का प्लूरल फारेडर, फूसबाल का फूसबिल है, और इससे भी पता चल रहा है कि जिंड आ रहा है, क्योंकि जाइन वर्ब है, जाइन वर्ब इसके साथ तो बिन होती है। यस, ऐसे होगा। सो देखो यहां पे आइन मन काइन मन आइन बुक काइन बुक ओरिजिनली तो डेर मन होता है, लेकिन इस उन बेस्टिम टेबल में तो आइन मन हो गया। दास का आइन बुक हाँ अपनी बुक में भरो आप, मैं वापस दास बुक आइन बुक इधर काइन बुक दी फ्राउ आइने फ्राउ आइने फ्राउ और इधर काइने फ्राउ। मैं आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मन में ऐसे सोच रहा हूं, ये बच्चे मेरा कहना माने ना तो इनको बहुत बढ़िया जर्मन आ सकती है, ये आलस नहीं करें बस, राइट। मैं करते करते मैं सोच रहा हूँ, आप लोग घर पे देखते तो हो ना इसको, देखते रहना आप, क्योंकि A1 भी आपने सीरियसली लिया ना तो आपको फिर मजा आने लग जाएगा। जब तक चीजें कनेक्ट नहीं होती ना तब तक बीच बीच में शुरू शुरू में ऐसे भी लग सकता है A1 में, और यार थोड़े दिन और देख लेता हूँ फिर भाग जाऊंगा, थोड़े दिन और देख लेता हूँ भाग जाऊंगा। किसी ने भागने की सोच रखी है ना तो वो पक्का ही भागेगा, ये मान लो आप, क्योंकि दिमाग क्या उसी तरह से एक्सेप्ट करता है चीजें या रिजेक्ट कर देता है, राइट। मन लगा कि अगर आपने सोच रखा है ना कि ये टीचर मेरे को सिखा देंगे तो पक्का ही सीख जाएंगे आप। मैं खागी दिमाग में क्या कर सकता हूँ। दी ब्यूशर इधर क्या होगा, आईने तो प्लूरल होता ही नहीं आईने का, तो यहाँ पे तो सीधा ही ब्यूशर लिखना पड़ेगा, इधर जरूर काइने ब्यूशर हो जाएगा। काइने ब्यूशर मैनर नहीं है, मैनर या मैनर मतलब आदमी। आइन के टेबल में होता है क्या प्लूरल, खाली छोड़ते हैं ना अपन, वो खाली छोड़ते हैं इसलिए यहाँ भी खाली छोड़ा है। सो फ्राउन तो यहाँ पे केवल फ्राउन काइने फ्राउन, इसमें ये दिखाया गया है इसमें कि आइन के टेबल में प्लूरल वाली लाइन तो खाली रहती है, लेकिन काइन के टेबल में खाली नहीं रहती वो, हाँ निगेट करने के लिए, तो उसमें काइन काइने काइन काइने काइनन काइने काइन काइने, तो प्लूरल में भी तो होता है ये, इसलिए यहाँ पे है ये नीचे वाला हिस्सा प्लूरल का है देखो। इसमें अभी लिखा नहीं इसलिए लग रहा है शायद कोई बिल्ली हो सकती है। काइन हुन कुत्ता है क्या, ना कुत्ता उत्ता नहीं है, का मतलब यू आर राइट। स्टीमन एक वर्ब है जिसका मतलब है टू बी करेक्ट या स्टिम्ड, यस स्टिम्ड टू बी करेक्ट, बिल्कुल सही। स्टीमन STIMMEN हर बार, या ये देखो तीन लोग हैं, इसको ट्रांसलेट करके आज घर पे ट्राई करना है आप लोगों को, तीनों को, तीन नहीं है हाँ, हंगशाई विदात अर्सलान अर्सलान और साइरा फ्रांका, इसको पढ़ के और समझने की कोशिश करनी है, कोई वर्ड नहीं आए तो dict.cc है ना, और
इनको पढ़ के इंफॉर्मेशन क्या निकालनी है, वेयर मतलब उसका नाम कौन, तो उसका नाम वोहर जिंड जी कहां से है, तो जैसे आपको कोई पूछे वोहर कॉमन जी, इसको मैं हाउस सामोद, इसको मैं हाउस राजस्थान, इसको मैं हाउस हरियाणा, जो इसको मैं हाउस दिल्ली, इसको मैं हाउस हैदराबाद, तो वोहर का तो वो जवाब है वेयर फ्रॉम एंड वासदागन जी एंड लास्ट में कुछ कह रहे होंगे ये, जैसे यहाँ पे देखो जी जाट, जी जाट, जी जाट मतलब सी इज सेइंग, क्या कह रही है, डोइचे कहाँ लिखा है, डोइच डोइच इस्ट विस्ट इज फॉर माई आर्बाइट, जर्मन इज इंपॉर्टेंट फॉर माई वर्क, उंट द कोर्स इन गोटे इंस्टीट्यूट माखन स्पास एंड कोर्सेज आर फन, और मजा भी आ रहा है सीखने में, इसने भी कुछ बोला होगा, अर्सलांस जागन इनकी फैमिली वाले क्या कह रहे हैं, डोइचलैंड इन उंजरर ईस्ट उंजरर नोए हाइमाट, ये हमारा नया होमलैंड है एक तरह से, इसमें तीनों में से पढ़ना पड़ेगा, हां तीनों में पढ़ना है वो मतलब वहां लिखना है, इसने क्या बोला, बीटोवन उन शुबर्ट, बीटोवन उन शुबर्ट, लिख के देखने से आएगा, लिखना लिख के देखना पड़ता है, स्पेलिंग तभी हाथ होती है, हाथ को याद होती है कई बार, तो दिमाग को नहीं होती, हाथ को याद हो जाती है। आप ट्राई करना ये वर्ड, आप आपको बताना है इसका क्या मतलब है, सीढ़ी, सीढ़ी मतलब सीढ़ी ना, अब इसके साथ में हमारी एक्सरसाइज क्या है कि मीनिंग पता करके फिर ह्यूरन मतलब सुनना, उसको जनरली सुना जाता है, लेजन पढ़ा जाता है, श्राइबन लिखा जाता है, और एक्सप्रेशन बोला जाता है, मतलब वो ऊपर वर्ड पढ़ेंगे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंटली। ऐसे तो ये भी हो सकता है कि जैसे मान लो कोई बोले लैंग्वेज, सपोज उसमें कोई वर्ड आए लैंग्वेज, स्प्राख है, तो स्प्राख का तो लिखना पढ़ना सभी हो गया, लेकिन लैंग्वेज का मेन काम होता है बोलना और सुनना, राइट, हो सकता है म्यूजिक हो गया तो सुनना गाना दोनों हो गया, तो दोनों में लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जनरली आप बोलते हो इश ह्यूर म्यूजिक, ज्यादातर लोग म्यूजिक सुनते हैं, ठीक है, दोनों में भी हो सकता है, चारों में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंटली इजीली आप किससे एसोसिएट करते हो, रेडियो, रेडियो ह्यूरन, राइट, अब रेडियो कोई देखने का मतलब नहीं है, सुनने से है उसका मतलब, तो रेडियो ह्यूरन, तो यहां पे लिखेंगे हम रेडियो। टर्किश, टर्किश लैंग्वेज, एक्सप्रेशन उन ह्यूरन, कोई भी भाषा जो है वो या तो बोलना या मतलब उठा के वहां लिखना है उस कैटेगरी में, समझे नहीं, हाँ। दी जेट्स है, जेट्स मीन सेंटेंसेस, सभी में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चारों में लिख देना। मेरा मतलब आपसे ये था कि जो भाषा है वो भाषा का मेन काम, पहले पहले तो किसी को लिखना पढ़ना आता ही नहीं था, तो भी बोलना बोलते सुनते तो थे लोग, सो मेन भाषा का मतलब होता है बोलना और सुनना। अब ये तो जब भाषा को आप आगे पास करना चाहते हो तो कैसे पास करो, बोल के करोगे, लेकिन वो बंदा है ही नहीं और उसके पास भी भेजना चाहते हो, तो फिर तो लिखने का भी आएगा, पढ़ने का भी रोल आएगा। सो आप चारों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डॉइच, मैं ये सुनना चाहता हूँ इनमें से कौन से में आएगा, एक्सप्रेशन में आएगा। तो ये चीज बोल के देखो, आप अपनी चोंच को खोलो, ज्यादातर ये मत सोचो कि उसने बोल दिया तो मेरा भी काम हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ, तुम्हारा काम तो तुम्हारे बोलने से होगा। डॉइच ह्यूरन एक्सप्रेशन, दस बुक, दस बुक,
लिख सकते हो, कितनी क्लिक रखी है, लिख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हो तो सब हो सकता है, लेकिन जनरली इजीली वो किससे एसोसिएट होती है। तो लिखते तो कम है लोग, लेकिन पढ़ते ज्यादा है। हाँ, अगर वो हेफ्ट आ जाए तो उसके लिए स्क्राइबन आएगा, वो केवल स्क्राइबन में, करेक्ट। दस मैगजीन, पढ़ना मत बोलो, लेजन बोलो, पढ़ना तो आता ही है, वो लेजन बोलो तो बोल के प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग। बायोग्राफी, ओके, और लेजन टू राइट, स्क्राइबन इज टू राइट। द म्यूजिक, हाँ, लास्ट में दो बार सही बोला, शुरू में दो बार गड़बड़ बोल रहा था। तो यही है कि चोंच खोलने से पता चलता है कैसे बोल रहा है। दी लोटो शालन, लोटो का मतलब है लोटरी का नंबर, लोटरी का नंबर, हाँ, ओके। दी अरबाइट्स अनवाइजुंग, अनवाइजुंग का मतलब है इंस्ट्रक्शंस, वर्क इंस्ट्रक्शंस। जैसे मान लो कोई आपको बताता है कि कैसे करना है, ओके। दी पाउज है, ब्रेक मतलब एक ब्रेक ले लो, इसमें कहीं नहीं होगा ब्रेक का, इससे कोई बेतुका है ये वर्ड यहाँ पे, ओके। दी आर्टिकल, ओके, आर्टिकल जनरली पढ़ते हैं हम लोग ना, लिखते भी हैं, बिल्कुल। और क्या बोल दिया था तुमने पढ़ने लिखने के अलावा, यूरिन भी बोला था ना, आर्टिकल सुनने का भी आता है ना आजकल, आजकल आ गया। मतलब आजकल क्या है कि मैगजीन में आप जहाँ पे आर्टिकल लिखा होता है वहाँ पे उसको सुनने का भी आता है, ओके, ठीक है। सो बुक स्टाबन मींस स्पेलिंग, व्योटर बुक, व्योटर बुक मतलब डिक्शनरी, लेजन क्यों नहीं लिख सकते, लेकिन लिखते नहीं है जनरली, राइट। डिक्शनरी क्यों नहीं लिख सकता, मैं लिख सकता हूँ तो, लेकिन जनरली तो हम पढ़ते हैं, लिख तो सकते ही हैं, लेकिन जो इसको लेजन में ले लेंगे हम लोग, ओके। बुक स्टाबन, श्राइबन, ओके। फ्रागे का मतलब है क्वेश्चन, फ्रागे सुनना, ओके, हाँ मतलब सवाल पूछना और बताना, ओके। या शुभिका, लास्ट वाले दोनों तुम बताओगी, दास हैंडी, हैंडी मोबाइल, किस में जाएगा, ह्योरन और एक्सप्रेशन दोनों में जाएगा ना, मोबाइल कोई बोलता है तो उधर से हम सुनते हैं और हम बोलते हैं, इसीलिए तो रखते हैं मोबाइल, ओके। या रुद ऑप्शन नहीं है यहाँ। दस लर्न प्लाकार्ड का मतलब है कोई पोस्टर, लर्निंग पोस्टर, क्या आएगा इसमें, शिका लेजन में आएगा, पढ़ना, ओके। ये फ्रागन बिटन और अरबाइट्स अनवाइजुंगन मीन्स क्वेश्चंस, रिक्वेस्ट्स और इंस्ट्रक्शंस। ये इस तरह की रिक्वेस्ट, क्वेश्चन और इंस्ट्रक्शंस कौन देता है जनरली। कुर्स टाइल नेमर का मतलब है कोर्स पार्टिसिपेंट, मतलब आप सब, आप सब कुर्स टाइल नेमर हो, या कुर्स टाइल नेमर इन शिका। कुर्स लाइटर का मतलब है कोर्स लीडर, जो आपको गाइड कर रहा है, जैसे मैं हो गया यहाँ पे कुर्स लीडर। सो ये स्टेटमेंट जनरली किसका होता है, वो इसमें भी, अब इसमें भी इस तरह की चीज हो सकती है कि कोई चीज ऐसी लगेगी आपको कि टीचर के लिए भी है, स्टूडेंट के लिए भी है, बट जनरली कौन बोलता है, बस वो। इसमें कुछ भी गलत सही नहीं है, बस आपको समझना चाहिए। वासुदास कौन बोलता है जनरली, स्टूडेंट, ओके। वी हैज दास ऑफ डॉइच, इसको जर्मन में क्या कहेंगे, स्टूडेंट बोलते हैं और टीचर को पता है।
ओके जनरली टीचिंग को पता रहता है यू ओके और क्लियर इन जी दस बिटे एक्सप्लेन इट प्लीज स्टूडेंट तो स्टूडेंट लिखा हुआ है क्या यहाँ पे तो इसी की तो वर्ड की प्रैक्टिस करवाना चाहता हूँ आप ये बोलो कुर्स टाइल नेमर कुर्स टाइल नेमर का मतलब है कोर्स पार्टिसिपेंट मतलब स्टूडेंट लेकिन स्टूडेंट नहीं बोलोगे आप ये बोलोगे कुर्स टाइल नेमर क्या क्या वाला बोल के बताओ कुर्स लाइटर बोलो कुर्स टाइल नेमर कुर्स टाइल नेमर देख रहा हूँ मैं कौन बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा कुर्स टाइल नेमर कुर्स लाइटर कुर्स टाइल नेमर कुर्स लाइटर हाँ बोल बोल के देखना है इसको अपनी जुबान की प्रैक्टिस करनी है जीभ की ऐसी थोड़ी बोल पड़ेगी एक दिन अचानक ही ना बुक स्टाबीरन जी दास बिटे प्लीज स्पेलिंग बताइए प्लीज स्पेल आउट स्पेलिंग बताइए कौन बोलता है तो यहाँ पे बोल ये वर्ड कौन सा है ओके कुर्स स्टाइल नेमर कुर्स लाइटर ओके क्यों नहीं वीर आई ने पाउज माखन एक ब्रेक ले लें क्या लेजन जी डन टेक्स्ट रीड द टेक्स्ट श्राइवन जी दस बिटे ऑन द टाफल बोर्ड पे लिखिए श्राइबन मतलब टाफल मतलब बोर्ड बोर्ड पे लिखिए लेटर कहाँ है लाइटर कुर्स लाइटर कुर्स लाइटर ओके हो सकता है टीचर बोले कि इधर आओ बहुत दिन हो गए इधर लिखो सो ओर्डनन जी दी व्योटर पुट द वर्ड्स इन द ऑर्डर सीक्वेंस में जचाइए माखन जी बेटे इरा हाउस ऑफ गाबन अपना होमवर्क करिए ओके मतलब सर जिसको बोले मतलब उसके लिए वो आएगा हाँ जो बोलता है जनरली जनरली जो बोलता है ये स्टेटमेंट जनरली डे टू डे लाइफ में कौन ज्यादा यूज करता है आप तो ये बताओ ये कौन है कुर्स टाइल नेमर या कुर्स लाइटर हेल्पर कैसे हुआ पढ़ने लिखने वाले हैं ये देखो इन्होंने बोला डू कॉम सूज पेट ब्रूटूस ब्रूटूस तुम लेट आए हो तो लेट आया है इसको बैठना है अभी लेट आया है आएगी इधर पड़ी है कहीं दिख नहीं रही अपन को ये क्या चीज है ये राडियर गुमी राडियर गुमी ब्लाइस्टिफ्ट बेसर बेसर कब कैसे बेसर कप को बेशर बोलते हैं इसमें सर वो भी है काफी भी तो है सही है तो कोई नहीं ओके अब देखो हमारे पास चार वर्ड है उन वर्ड्स को इसमें फिट करना है एक तो है फर्स्ट ए एक बुक स्टाबियरन एक एनशुल्डिगुम एक हाइस्ट एनशुल्डिगुम का मतलब होता है एक्सक्यूज मी बुक स्टाबियरन का मतलब है प्लीज स्पेल आउट स्पेल आउट के लिए और फर्स्ट एन का मतलब है टू अंडरस्टैंड यहाँ पे क्या आएगा वी
हाइस्ट आएगा ना, yes, क्योंकि ये फिक्स एक्सप्रेशन था, वी हाइस्ट दास ऑफ डॉइच, वी हाइस्ट दास ऑफ डॉइच, इसको जर्मन में क्या कहेंगे, वी हाइस्ट दास ऑफ डॉइच, दास इस्ट निस्ट, क्योंकि इसके हिसाब से कॉन्जुगेट होगा तो फर्स्ट ही आएगा, दास फर्स्ट इस्ट निस्ट, कि आई डोंट अंडरस्टैंड दिस, मुझे नहीं समझ में आ रहा भाई, एंशुल्डिगुंग वी बिटा, एक्सक्यूज मी, फिर से बोलिए प्लीज, सो एंशुल्डिगुंग आएगा यहाँ पे, एंशुल्डिगुंग क्यूनन जी दास बिटे बुक स्टाबियरन, कुड यू प्लीज स्पेल आउट बुक स्टाबियरन, विड्रोहोलन भी था एक, वो रिपीट के लिए था, तो ये सेंटेंस पता है इनको लिख लिख के रट लेना है, फिर आपको मजा आएगा, जनरली वही चीजें बोल रहे होते हैं अपन। अब इसमें देखो आपके वोकैब का टेस्ट हो गया, अब मैं क्या बताऊं आपको, इस यहाँ बताओ क्या आएगा इसमें, आप खुद ही बता दोगे, मैं बीच बीच में पूछूंगा, बीच में हो सकता है दसवा पूछो कौन सा पूछो, सो दे आर कंप्यूटर, ओके आठ दिब्रिले, दिब्रिले मुझे ये भी पता चल जाएगा किसको आता है किसको नहीं आता, क्योंकि कोई चुप रह रहा है ना, उसका मतलब ये मत सोचना कि सर ये भ्रम में रहेंगे कि मैं चुप हूं तो शायद मुझे भी आता है, चुप रहने से तो मुझे पक्का ही पता चल जाता है कि इसको नहीं पता, नहीं तो बोलता, ओके फ्यून्फ दी लैंप है, दी टाशर ड्राई, डेर राडियर गुमी, इंक पेन को फ्यूलर बोलते हैं, फ्यूलर वेटर बुक इज डिक्शनरी, और ये वाली नोटबुक है ब्लैक वाली, पेन तो देर खुली है, बिल्कुल सही, ओके ये वर्ड डे टू डे लाइफ के वर्ड, टास्टर टूअर इज कीबोर्ड एंड माउस, दी माउस एम ए यू एस, स्टिक डोज है, या नेक्स्ट आर्टिकल कंप्यूटर दास हैंडी, दास हैंडी देर कूली, देर कूली दास है, दास आर्ट देर टिश, देर स्टोन्स, देर बेशर, देर राडियर भूमि, देर कंप्यूटर, दास दास दी पापियर, दास दास पापियर, दास मोटर रूश, दी ब्लाइस, दी ब्लाइस स्ट्रिप्ट, देर वाइटर बोर्ड, दास वाइटर बोर्ड, वाइटर नहीं है व्हाइट बोर्ड, दी लैंप है, दी फ्यूलर, कोर्स बुक दास कोर्स, दी फ्यूलर, दे दे कोर्स बुक दास कोर्स बुक, आर्टिकल्स यस वेरी इंपॉर्टेंट,
एंड देन यहाँ पे पेयर्स, मतलब जोड़ी है इनकी, पेयर्स है ये, जैसे माता पिता, भाई बहन, राइट, खाना पीना, ऐसे इनकी फिक्स जोड़ी है। एसेंट ड्रिंकर, यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से वर्ड लाने हैं अपन को नीचे। टे, टे मतलब चाय, स्टूल स्टूल, चेयर, अंटवोटन आंसर उत्तर देना, श्राइबन टू राइट, ड्रिंकर पीना, स्टिफ्ट क्या है ये, पेंसिल, स्टिफ्ट मींस पेंसिल लिखने का, हाँ, रबर, 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 नो, नो, फ्राउ एंड ओर, लेडी, फ्राउ इज एक्सप्रेशन टू स्पीक। अब अगर मैं आपको बोलूं डेयर टिश ओंट डेयर स्टूल, क्योंकि इसका है टेबल एंड चेयर ना, तो स्टूल आ जाएगा यहाँ पे, किसकी साथ में जोड़ी आपस में, लेजन ओंट लेजन मतलब पढ़ना, पढ़ना और लिखना, श्राइबन कर दूं, एसन उंट मतलब खाना और पीना, ट्रिंकन, या उड़ा नाइन, हाँ और ना, यस, या उड़ा नाइन, फ्रागन उंट पूछना और जवाब देना, फ्रागन उंट आंट वोल्टन, हियोरन सुनना, सुनाना मतलब बोलना, तो इसमें है क्या एक्सप्रेशन, दस पापियर उंट, पेपर और उस पे लिखने का कुछ, पेन पेपर देना मुझे, बोलते हैं ना अपन पेन पेपर, ये लो, सो ब्लाइज स्टिफ्ट ओंट देयर राडियर गुमी, यस, सो राडियर गुमी आ जाएगा इसमें, देयर तो लिखा हुआ ही है, तो ये हो गया पेंसिल और पेंसिल, फिर रबर, रबर पेंसिल ना, जोड़ी है इनके आपस में, काफे ओडर, मतलब सिंपल सिंपल वर्ड है, लेकिन आपको ये टिप्स भी होने चाहिए तब भी यूज करोगे। अपन ये यूज करते हैं कि पेपर और पेन चाहिए मुझे, है ना, पढ़ना बोलना सिखाते हैं, ओके, पढ़ना लिखना सिखाते हैं, बोलना नहीं बोलते जनरली, पढ़ना लिखना, इसको तो पढ़ना लिखना ही नहीं आता, तो पढ़ना लिखना साथ आता है ना, ऐसे ये उस तरह के वर्ड है, क्या क्या करा रही है ये बुक हमसे, ओके। और इसमें आपको फ्लूसिस एक्सप्रेशन का मतलब है घर पे बोल बोल के देखना है, देख के आपको लगता है आ गया बट वो आया नहीं होता, बोल के जब तक नहीं देखो। सो आपको घर पे कैसे प्रैक्टिस करनी है, डॉइच ऑफ डॉइच, वी हैज दास ऑफ डॉइच, इसको जर्मन में क्या कहेंगे, डॉइच ऑफ डॉइच, वास इज दास ऑफ डॉइच, जर्मन में ये क्या है, मतलब जनरली तो वी बोलते हैं बट कोई ऐसे भी बोलते हैं, बिटे वी बिटे एंटुल्डिगुम वी बिटे, एक्सक्यूज मी फिर बोलना जरा, गाली नहीं, गाली में नहीं, नहीं आपको गाली ना, राइट, एंटुल्डिगुम वी बिटे, वी बिटे का सेंस ये है कि एक बार फिर से बोलिए, फिर से कैसे बोल सकता हूँ, हाँ राइट, प्लीज रिपीट इट अगेन, विडरहोलन का मतलब है टू रिपीट, विडरहोलन टू रिपीट, विडरहोलन ही बोलेंगे, ये अपने आप में होलन खुद एक अपने आप में एक वर्ब होती है, होलन, और वैसे भी आपको बताऊं मैं विडो होलन, ये जब इंडिपेंडेंट कोई अलग से भी एग्जिस्टेंट रखता है ना कोई, तो उसका वैसा का वैसा ही रखते हैं हम लोग, चेंज नहीं होता,
विड्रोवलन अनश्राइबन अनश्राइबन टू राइट डाउन बेटे अनश्राइबन फिर से आ गया बोलो इसमें आर्टिकल आपको पता होने चाहिए पिलोट देयर पिलोट यस देयर वाले लिखेंगे यस हिंदी दास हिंदी लेररिन दी लेररिन दी लेररिन हाउस दास हाउस टिश देयर टिश देयर टिश फ्राउ ली फ्राउ फोटो दास फोटो देयर कंप्यूटर दास बुक दी टाशे दी टाशे टाशे इसको क्या पढ़ा स्टूल स्टूल देर स्टूल आर्टिकल सही है लेकिन स्टूल पढ़ना है इसको हाँ दी स्टूल है तो प्लूरल हो जाएगा दी फ्राउ डे मन हो गया अब ये कह रहे हैं कि इसके पीछे ये लिखा हुआ है प्लूरल ये है फोटर जाइट है मतलब फ्रंट साइड और इसी के पीछे रुक जाइट है मतलब बैक साइड रुक जाइट है सो दी फ्राउ का प्लूरल होता है दी फ्रावन देर मन का दी मैनर दस हैंडी का दी हैंडीज एस लगेगा दी हैंडीज देर दी स्टूल है उमलाउट भी लगेगा और ई भी लगेगा मैस्कुलिन का रूल देख लेना ओके सर इसमें कैसे नहीं लगेगा क्यों लगेगा मैस्कुलिन फेमिनिन फेमिनिन में नहीं लगता ना फेमिनिन का प्लूरल एनियन एनियन लगता है फेमिनिन का प्लूरल ई नहीं ई तो रहता है तब तो एन लगता है एन ई एन और एनियन लगता है मेनली सुन सुन के लिखने हैं आपको वर्ड यहाँ पे बेस्टिम्ट आर्टिकल होता है डेयर डी दास और उन बेस्टिम्ट होता है आइन 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 तो यहाँ पे इस दास इन हिंदी क्या ये मोबाइल है क्या या दास इस्ट दास हिंदी इसने बोला इस दास इन हिंदी क्या यह एक मोबाइल है पूछा ना आपने क्या क्या ये मोबाइल है और फिर आप कह रहे हो कि आना का है तो डेफिनेट हो गया ये तो आना का मोबाइल है ये तो राम की कार है और ये सीता का पेन है सो दास इस्ट दास डेर कुली फोन आना तो ये हो गया डेफिनेट ये हो गया बेस्टिम्ट और ये हो गया अनबेस्टिम्ट इनडेफिनेट और डेफिनेट या इस दास डेफिनेट और इनडेफिनेट हो गया उसको भी पजेसिव आर्टिकल ही बोलते हैं नेगेटिव भी बोलते हैं काइन वाला हाँ देखते हैं क्या आएगा इस दस आइन हैंडी किसी बंदे का है तो फिक्स हो गया ना उसका डेफिनेट हो गया दिस इज द मोबाइल ऑफ डेविड ये तो डेविड का मोबाइल है अब की बार नाइन आया भाई इस दस अगर काफी इधर काफी लिखा होता तो हो जाता नो दिस इज नॉट ए कॉफी लेकिन ये जानबूझ के इन्होंने उल्टा लिखा है तो किसी ने बोला कि ये कॉफी है क्या अरे नहीं 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 ये तो चाय है तो पॉजिटिव हो गया ना ये तो चाय है ये तो नाइन नाइन तो जवाब हो गया कॉफी का नो ये तो चाय है दिस इज ए टी काफी आता तो खाइन आ जाता खाइन आता फिर फैमिली ने ना इसलिए शुभिका आनंद सही चल रहा है ना आइन काइन ये सब
एक बार मना करना है ये वाली चीज और फिर दूसरी चीज बतानी है, तो मना करेंगे तो हम काइन से करेंगे यहाँ पे और फिर वो वापस आइन से लिखेंगे। इसको ट्राई करना है घर पे। काइन आइस, काइनस सिगारेट है, काइन हुंड, काइन हैंडी, ये इसमें आपको ये हर सेंटेंस में एक वर्ब है, ढूंढ के लगानी है कौन सी वर्ब आई है, वर्ब कौन सी पोजीशन पे आती है, तो आप वैसे ही लगा दोगे। लेबन, अर्बाइटन, लर्नन, यहाँ पे ओरिजिनल लिखनी है, लर्नन, लेबन, फिर से लेबन आ गई, जाइन वर्ब, हार्ट, हाबन, गेट, गेट वाली होगी गेहन, ओरिजिनल वर्ब लिखनी है तो गेहन होगा, तो जनरली टी या ई एन, टी हटा के ई एन लगाना होता है जनरली ना, लर्नन, जागन, म्योस्टन, जाइन, अर्बाइटन, म्योस्टन, तो ओरिजिनल वर्ब निकाल के, यस ओरिजिनल वर्ब लगा के लिखनी है इसमें, पर्सन का नाम क्या है, एज क्या है और कौन कौन सी लैंग्वेज बोलती है, इसमें आराम से समझ में आने वाली। ये आपका खुद का इंट्रोडक्शन है वी हाइसन जी, तो आप अपना लिखोगे कॉपी में, ये शाइस है, हाँ अपनी बुक में, ओके सॉफ्ट कॉपी में लिख लो, कैसे लिख लो, लेकिन लिखना, प्रिंट निकाल लिया आपने तो बुक में लिखो, बढ़िया। वो है कॉमन जी, कॉम हाउस, वो लेबन जी, किंडर आ गया तो काइने किंडर आएगा ना, हाबन वेल्स हॉबीज, हाबन जी अपने हॉबीज के नाम लिखना है, जैसे म्यूजिक, ह्योरन, योगा, माखन, ऑफ कोर्स, जी यूबर डॉयचलैंड, जर्मनी के बारे में क्या कहना है आपको, तो आप कह सकते हो डॉयचलैंड इज टॉल, डॉयचलैंड इज जूपा, इस व्योस्टन नाक, डॉयचलैंड फ्रीगन, ओके ऐसे करके। यहाँ पे फिर तीन टेक्स्ट है, ये पढ़ के और ये इन्फॉर्मेशन आपको निकाल के लानी है, ठीक है, होमवर्क समझ आ गया ना। बंदे का नाम कौन है, वो है कहाँ से है, इसका प्रोफेशन क्या है और हॉबी क्या है, और ये सब इसमें दिया हुआ है, ये आपको खत्म करना है। लेकिन आप एक चीज बताओ मुझे कि आपको मैंने मैप के बारे में कुछ बातें डिस्कस करी थी अपन ने, कि उनके नाम और बॉर्डरिंग कंट्रीज के नाम, स्टेट्स के नाम, वो है ना दिमाग में, आई गई तो नहीं होगी बात, ठीक है मैं वापस कभी भी पूछ सकता हूँ।